हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। इससे पहले हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, वहां पर सभी बच्चों को समझ में आ गया टेंजेंट नॉर्मल स्लोप इक्वेशंस वगैरह वगैरह हमने सब पढ़ा। अब आता है हमारे पास मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इवन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, सिंपल फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए और इसके एप्लीकेशन पर वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। इस पर हमारे पास दो तरह के हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, इससे वर्ड प्रॉब्लम्स और डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको अच्छे से समझेंगे इसी कंसेप्ट को। नाउ लेट्स स्टार्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा जो कंसेप्ट है वो ये फाइंड आउट करने के लिए कि कोई फंक्शन मुझे दे रखा है, किस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी और किस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आएगी। तो ये एक हमारे पास मेथड है। तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा होगा और मैं उसको फाइंड करूंगा कि कहां पर इसकी मैक्सिमम आएगी, कहां पर मिनिमम, सपोज करो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो fx मुझे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन करके है मुझे। अब मैं कहूंगा कि मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने क्या किया, मैं बहुत सारी वैल्यूज लगाता चला गया, मैंने जीरो लगाया, वन आ गया, मैंने वन लगाया, वन प्लस वन टू आ गया, फिर मैंने टू लगाया, टू टू जा फोर प्लस वन फाइव आ गया, फिर मैंने माइनस वन भी लगाया तो माइनस वन में वन प्लस वन टू आ गया, फिर मैंने माइनस टू लगाया फोर प्लस वन फाइव आ गया, फिर मैंने माइनस थ्री लगाया नाइन प्लस वन टेन। यानी कि इस तरह से मैंने देखा तो वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, चाहे मैं जीरो के बाद यानी कि जीरो ले लिया और जीरो के आगे जीरो के पीछे गया, तो मैंने चेक किया कि वैल्यू जीरो से आगे जा रहा हूं तब भी बढ़ती 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 चली जा रही है इन्फाइनाइट, और जीरो के पीछे जा रहा हूं तब भी वैल्यू बढ़ती 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 चली जा रही है। लेकिन एक चीज ऐसी आ रही है कि यहां पर जीरो पर वन से छोटी नहीं आ रही वैल्यू। ठीक है, वन से छोटी नहीं आ रही है तो मैं ये कह सकता हूं कि इस फंक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कुछ कोई भी हो सकती है। तो वी कांट फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन बट वी हैव वन एज मिनिमम, यानी कि वी डोंट हैव अ नंबर लेस देन मिनिमम इन दैट फंक्शन, सो दैट इज वाई वन इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। तो वी कैन से दैट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स यानी किस वैल्यू पर, एक्स की हमने क्या वैल्यू अप्लाई की है जिससे किस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आई है, तो हमने क्या लगाया x इक्वल टू जीरो लगाया है। तो x इक्वल टू जीरो को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्या कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये पॉइंट निकल कर आया है। तो x इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड दैट वैल्यू ऑफ फंक्शन fx एट पॉइंट जीरो इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले तो कंसेप्ट समझना है व्हाट इज मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमा और मैक्सिमा का मतलब उस पॉइंट से होता है जिस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है या मिनिमम आ रही है। तो पहले पॉइंट निकालते हैं उसके बाद में उस फंक्शन में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं इस कंसेप्ट को डिटेल में। ये तो मैं एक जनरल एग्जाम्पल देके बता दिया आप लोगों को। अब देखिए डिटेल में, हमारे पास जो कोई फंक्शन दे रखा है वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स मेरे पास कोई फंक्शन है और हमने ये चेक किया है कि इस फंक्शन की वैल्यू, तो मैंने ये देखा सभी वैल्यू पर, यहां पर वाई पर एक्स पर यहां पर वैल्यू लगा के देखा, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर, यानी कि ये हो गया मेरे पास एक्स की वैल्यू, यहां ए लगा दी तो ये एफ ए आया और इस पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम है। पॉइंट पर वैल्यू क्या है मैक्सिमम आया, देखो बढ़ते 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 इसके यहां पर नेबरहुड कोई भी पॉइंट ले लेता हूं मैं, तो उन नेबरहुड पॉइंट पर चेक करने के बाद भी जब मैंने देखा तो एक्स पर वैल्यू कैसी है, यहां पर मैक्सिमम है। ऐसे मैंने जब यहां पर देखा ये भी मेरे पास वाई इक्वल टू एफ एक्स है, तो इधर भी ये पॉइंट है जहां पर मेरे पास वैल्यू एक्स इक्वल मैंने से बी मान लिया और ये एफ बी मान लिया, यहां पर वैल्यू मेरे पास कैसी है मिनिमम है। इसके नेबरहुड पॉइंट मैंने यहां पर देखे कहीं पर भी मेरे पास वैल्यू मिनिमम है और यहां पर क्या है वैल्यू मैक्सिमम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी इसके मिनिमम वैल्यू हो, इसके नेबरहुड पॉइंट हो, तो उसके नेबरहुड पॉइंट पर
कह सकते हैं एफएक्स एफएक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू ए इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इफ एफ ए ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर ले लो या डोमेन ले लो एक्स बिलोंग्स टू क्या है डोमेन में है उसके कोई भी उसका डोमेन है जो भी इसका डोमेन है उसके डोमेन में हमने क्या लिया अगर इसके नेबरहुड पॉइंट पर यानी कि जो इसके आसपास के जो पॉइंट हैं उन पॉइंट पर ए पर लगाने पर वैल्यू सबसे बड़ी आएगी तो उस कंडीशन में x इक्वल टू ए क्या कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऐसे यहां पर मैं कह सकता हूं x इक्वल टू बी इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा इफ एफ बी इज लेस देन एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन अब ये डोमेन का मतलब क्या है ये हम फंक्शन में पढ़ चुके हैं तो ये दोनों ही कंडीशन हम समझेंगे कि f अब मान लो इसके आसपास यहां पर पॉइंट कोई भी है यहां पर 2 है तो इसके आसपास मैंने यहां पर 2 से छोटे 2 से बड़े पॉइंट लगाए और उन सभी पॉइंट पर लगाने पर हमने क्या देखा कि वैल्यू जो है वो a पर ही मैक्सिमम आ रही है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया ऐसे यहां पर लगाए इसके आसपास के पॉइंट तो b से ज्यादा आएगी वैल्यू हर पॉइंट पर तो मिनिमा हो गया तो इस तरह से x की जो वैल्यू है वो मैक्सिमा या मिनिमा कहलाएगा और a और b अगर मैं फंक्शन में लगा दूंगा तो मुझे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी तो ये जनरली जो पॉइंट कहलाते हैं इन्हें हम कहते हैं क्या कहलाएंगे ये कहलाएंगे लोकल मैक्सिमा लोकल तो जनरली जब से हमें मैक्सिमा या मिनिमा क्वेश्चन में पूछा जाता है तो वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की ही बात चलती है किसकी बात चलती है लोकल की इस तरह के मैक्सिमम मिनिमा क्या कहते हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा ठीक है अब इसको फाइंड कैसे करते हैं हम यानी कि हमने जनरल बात पता लगा दी तो इसको फाइंड करने के हमारे पास टेस्ट हुआ करते हैं कुछ टेस्ट हुआ करते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं इसको फाइंड कर सकते हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा इसकी डेफिनेशन एक तरह से और दी जाती है कि ये जो मेरे पास पॉइंट है ए पॉइंट या बी पॉइंट जो आया है इसके आसपास कोई भी वैल्यू ले लेता हूं मैं ठीक है तो एच जो है एक एच पॉइंट ले लिया बहुत छोटा तो मैंने ये लिया जो इंटरवल लिया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस एच कॉमा ए प्लस एच मैंने ए पॉइंट पर ए माइनस एच और ए प्लस एच ले लिया तब ये कहेंगे कि एक्स इक्वल्स टू ए x इक्वल्स टू a इज अ पॉइंट ऑफ यहां पर क्या आएगा मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इफ f a जो होगा वो ज्यादा होगा f x से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a माइनस h और a प्लस h इस तरह से हम क्या करते हैं इसको डिफाइन कर रहे हैं तो h क्या है h बहुत छोटा नंबर है इससे थोड़ा सा पहले इससे थोड़ा सा बाद में तो ये क्या कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इसे हम क्या कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और यहां कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा तो इसे फाइंड कैसे करते हैं हम फाइंड करने के लिए हमारे पास दो तरह के टेस्ट हुआ करते हैं पहला टेस्ट हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम क्या लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या देखते हैं तो ये चेक करते हैं हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमारा क्या कहलाता है कि ये बताएगा हमारे पास कि ये अब हमने क्या किया डिफरेंशिएशन किया कोई भी फंक्शन है मेरे पास हमने ये लिया लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स मेरे पास कोई एक फंक्शन है अब मुझे पता लगाना है कि किस पॉइंट पर ये लोकल मैक्सिमा होगा या किस पॉइंट पर लोकल मिनिमा होगा अभी बात समझ रहे हैं किसकी बात करें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वर्ड को समझेंगे यहां पर वर्ड ही है ये तो पहचान क्वेश्चन में आता है लोकल मैक्सिमा फाइंड करो या सिर्फ मैक्सिमा फाइंड करो अगर मैक्सिमा है और लोकल मैक्सिमा है तो उसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है लोकल का मतलब क्या है अपने लोकेलिटी में यानी कि यहाँ आसपास कुछ पॉइंट दे रखे हैं बहुत सारे मुझे उन पॉइंट पर कैसा आएगा मैक्सिमा होगा या मिनिमा तो वो लोकल मैक्सिमा
या लोकल मिनिमा होगा। अभी कंडीशन और समझाएंगे दो एग्जांपल को, तो पहले जनरल बात समझ लेते हैं चेक कैसे करते हैं। तो जो मुझे फंक्शन दे रखा है मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, क्या कर देता हूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे पास जो डीवाई ओवर डीएक्स निकल कर आता है यानी कि एफ डैश एक्स, क्या निकल कर आता है एफ डैश एक्स। तो पहले हम निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्या निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट हमें ये बताते हैं कि किन किन यानी कौन कौन से वो पॉसिबल पॉइंट्स हैं जहां पर ये फंक्शन मैक्सिमम आ जाएगा या मिनिमम आ जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करते हैं और यहां से हमें एक्स वैल्यू ए मिल गई और बी मिल गई। ये मान लिया मैंने दो वैल्यूज मिल गई मुझे ए और बी, ठीक, ये दो वैल्यूज मुझे मिल गई। तब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे हम ए और बी दोनों ही वैल्यूज पर चेक करेंगे। तो पहले हमने क्या किया एफ एक्स इक्वल टू ए ले लिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं ए से थोड़ा सा पहले और ए से थोड़े से बाद में साइन चेक करता हूं, एफ डैश एक्स का साइन क्या चेक करते हैं हम, एक्स एफ एक्स यानी कि एक्स एक्स लेस देन ए, एक्स की वैल्यू थोड़ी सी छोटी लो। तो यहां पर आ जाओ, एक्स की वैल्यू मैंने थोड़ी सी छोटी ली ए से छोटी ली, तो जब मैंने वैल्यू ए से छोटी ली तो इसका साइन क्या रहेगा, इसका साइन कैसा रहेगा ये मुझे चेक करना है। ये ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, कैसा हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये घटता जा रहा है, तो ये बढ़ता जा रहा है। तो एफ डैश एक्स का साइन जो आया वो पॉजिटिव आया। फिर मैंने क्या लिया, एक्स लेस देन के बाद ग्रेटर देन ए लगाया और ग्रेटर देन ए लगाया तो निगेटिव साइन आ गया। ये हमने चेक कर लिया यानी कि साइन कैसे चेंज हो रहा है, ए से पीछे से आगे बढ़े, बात समझ रहे हैं, यानी कि ए तो यहां पर था, मैं यहां से यहां बढ़ा हूं ए के पीछे से आगे। तो पीछे से आगे बढ़ने पर हमने ये देखा साइन पॉजिटिव से निगेटिव हो गया। तो कहने का मतलब क्या था, पहले वैल्यू बढ़ रही थी, पॉजिटिव मतलब बढ़ जाएगी। यहां पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ ये ऐसे, ठीक है, और इधर पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ मैं ऐसे, ये मैं, तो क्या गया, ये पहले बढ़ते चले गए, फिर क्या रहा, घटते चले गए। देखिए एफ डैश एक्स क्या होता है ये समझ लेंगे बात को, हम एफ डैश एक्स क्यों निकाल रहे हैं, एफ डैश एक्स का साइन क्यों चेक कर रहे हैं। एफ डैश एक्स यानी डीवाई ओवर डीएक्स क्या होता है, स्लोप होता है। तो मैंने जो पॉइंट लिया उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, यानी वैल्यू बढ़ रही है, ऊपर की तरफ चले गए और फिर बढ़ने के बाद में घट रही है। तो जब तुम पहले ऐसे जा रहे हो और फिर ऐसे आ रहे हो तो ऐसे कब आओगे, पहले मैक्सिमम पहुंच गए ना, पहले मैक्सिमम पहुंचे उसके बाद में तो नीचे उतर कर आ रहे हो। पहले हम बढ़ रहे थे, पॉजिटिव आ रहे थे, फिर हम यहां पर पहुंच गए, तो जब बाद में उस पॉइंट के बाद में जब मैंने वैल्यू निकाली तो निगेटिव आ गए, यानी कि मैक्सिमम होने के बाद निगेटिव आया। तो अगर साइन पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है तो x इक्वल टू a इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो इफ द साइन ऑफ एफ एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एट एक्स इक्वल टू ए, तो देन एक्स इक्वल टू ए इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एक्स इक्वल टू ए इज कॉल्ड मैक्सिमा। तो क्या कहलाएगा, मैक्सिमा कहलाएगा, अगर पॉइंट क्या हो रहा है, साइन उसका पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ हो रहा है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की कंडीशन समझा रहे हैं हम, ठीक है, पहला डेरिवेटिव टेस्ट। तो अब इसी तरह से अगर मैं दूसरी चीज चेक करता हूं, अब मैंने क्या किया, एक पॉइंट आ गया मेरे पास, अब मैं बी पर चेक कर रहा था, तो बी पर मैंने पहले वाला पॉइंट निकाला, यहां पर कोई पॉइंट लिया और दूसरा पॉइंट इधर ले लिया, कोई यहां पर कोई पॉइंट, ऐसे बढ़ गए हम। तो अब हमने क्या किया, अगेन एट एक्स इक्वल टू बी पर निकाल रहे हैं, अब हम इस पर निकाल रहे हैं, बी पर निकाल रहे हैं। तो जब हम बी पर चेक करेंगे तो हमने किया एक्स लेस देन बी, मैंने बी से लेस देन चेक किया, तो साइन जो आया एफ डैश एक्स का वो निगेटिव आया, और मैंने x ग्रेटर देन b पर चेक किया तो साइन जो आया वो पॉजिटिव आया। नेगेटिव का मतलब नीचे चले हम, नेगेटिव का मतलब क्या चले, ऊपर से स्लोप डाउनवर्ड आई, नीचे चले नीचे चले फिर ऊपर की तरफ चले गए। पहले कैसे देखें, यहां पर नीचे चले नीचे चले और अपने b पॉइंट से जैसे ही आगे बढ़े तो फिर ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। तो ये कब आएगा, बहुत मिनिमम होने के बाद ऊपर आएगा, कुछ ऐसी कंडीशन आएगी, तो ये मिनिमम होने के बाद तब आएगा।
यहां पर कुछ ऐसी कंडीशन आएगी तो पहले ऊपर बढ़े तो पॉजिटिव होते चले गए, बाद में निगेटिव होते चले गए, तो पॉजिटिव से निगेटिव आए तब क्या हो गया, ये वाला जो पॉइंट जिस पॉइंट से टर्न होना शुरू हुआ है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब यहां पर क्या था, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो जिस पॉइंट से टर्न हुए वो पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, तो देयरफॉर इसको भी ऐसे लिख देंगे हम, अगर एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो जिस पॉइंट पर साइन चेंज हो रहा है वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों ही कंडीशन है, मतलब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, आइए देखिए हम इसको समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास है fx equals to x square plus 2x plus 1, ये है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे यहां पर बताना है कि मैक्सिमा या मिनिमा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालना है, तो मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चूज करना है। तो मैंने किया डिफरेंशिएट, तो ये एफ डैश एक्स निकल कर आ गया 2x plus 2 आ गया मेरे पास, क्या आया 2x plus 2, और मैंने इसको क्या कर लिया, 0 के इक्वल कर लिया, देन 2x plus 2 equals to minus 1 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई minus 1। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे इस minus 1 के थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे साइन चेक करना है इसका। तो मैंने क्या किया, एट x less than minus 1 निकाला, तो अब लेस देन माइनस वन लगाएंगे तो माइनस वन छोड़ा माइनस टू लगा दो यहां पर, माइनस टू तो टू टू जा फोर, माइनस फोर प्लस टू निगेटिव साइन आ गया भाई, माइनस टू बचेगा, क्या बचेगा माइनस टू। अब माइनस वन से थोड़ा बढ़ा लिया मैंने, तो एक्स ग्रेटर देन माइनस वन पे मैंने क्या लगा दिया, यहां तो मैंने लगाया माइनस टू और यहां लगा दिया जीरो, और देर इज जैसे जीरो लगाया जीरो प्लस टू यानी कि पॉजिटिव आ गया। तो हम चेक कर रहे हैं माइनस वन यानी माइनस वन से छोटी वैल्यू, माइनस वन से छोटी यानी कि यहां पर मैंने क्या किया नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और मेरा साइन जो था माइनस वन था। अब इधर की तरफ क्या आएगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, यहां पर जीरो भी आएगा वन भी आएगा टू, मेरे पास ये था नंबर माइनस वन। तो मैंने ये माइनस वन से छोटी वैल्यू पे चेक किया एक बार माइनस टू लगा के यहां पर, तो साइन नेगेटिव आया। फिर मैंने माइनस वन से बड़ी वैल्यू क्या लगाई जीरो लगाई, तो जीरो लगाने पर क्या आया पॉजिटिव आया, तो साइन कैसे चेंज हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, समझेंगे दोबारा से, वही नेगेटिव नीचे पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव नीचे पॉजिटिव ऊपर, तो साइन मेरा नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, तो कहां जाकर होगा मिनिमम पर ही तो जाकर होगा, मिनिमम के बाद ही तो ऊपर आना स्टार्ट होगा। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस वन इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कह सकते हैं हम इसको, क्या आ गया मेरे पास पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, मिनिमम वैल्यू मुझे क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो अब मिनिमम वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, तो यहां पर मैंने माइनस वन लगा दिया, कहां पर क्वेश्चन में अपना माइनस वन लगाया, तो माइनस वन स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस वन प्लस वन, माइनस वन का प्लस माइनस टू प्लस वन, वन और वन टू माइनस टू जीरो, ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। इज दैट क्लियर? यस। तो ये हमने क्या निकाल दिया, पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाल दिया और मिनिमम वैल्यू। इसी तरह से हम मैक्सिमा निकाल सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, आओ अब चेक करते हैं दूसरा क्वेश्चन हम। तो अब हमने दूसरा क्वेश्चन लिया यहां पर, तो दूसरा क्वेश्चन कैसे लिया हमने समझते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है माइनस x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस फाइव, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। अब मुझे क्या चेक करना है यहां पर, मैक्सिमा या मिनिमम की फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करना है मैंने। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक कैसे करेंगे हम, तो यहां मैंने पहले डिफरेंशिएशन किया इसका फिर से वही, तो डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इसको पहले तो माइनस टू एक्स माइनस टू इंटू वन प्लस जीरो, इज दैट क्लियर, माइनस टू और एक्स माइनस टू, ये मेरे पास एफ डैश एक्स आ गया, ठीक, क्या आ गया एफ डैश एक्स निकल कर आ गया ये हमारे पास। अब हमने क्या किया, फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमने इसे जीरो के इक्वल कर दिया, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो और मेरे पास माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू यानी एक्स की वैल्यू टू आ गई। ये जो टू वैल्यू आती है इसको हम कहते हैं
क्रिटिकल पॉइंट, क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो मेरे पास ये बीच में जीरो होगा, कहीं यहाँ पर टू है, यहाँ पर माइनस टू भी हो गया, माइनस वन भी हो गया, यहाँ वन भी आएगा, और टू के बाद में कुछ थ्री फोर बहुत सारे पॉइंट होंगे मेरे पास, ये क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। अब हमने क्या करना है, जो टू आया है इस टू से थोड़ा पहले और थोड़ा बाद में, तो हमने क्या किया, एट एक्स लेस देन टू, एफ डैश एक्स का साइन चेंज किया लेस देन टू पर, तो लेस देन टू, टू से मैंने छोटा नंबर वन ले लिया, यहां वन यूज कर देता हूं, क्या एफ डैश एक्स, ये है एफ डैश एक्स मेरा, तो टू से छोटा नंबर लिया मैंने माइनस टू, तो टू से छोटा नंबर वन लिया मैंने वन माइनस टू, वन माइनस टू का मतलब माइनस वन, यानी कि प्लस टू, या क्या आया पॉजिटिव, कैसा आया पॉजिटिव। अब मैंने x से थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया तो मैंने 3 ले लिया, क्या ले लिया, x से बड़ा, 2 से बड़ा 3 ले लिया। अब यहां मैंने 3 लगाया, देन माइनस टू, 3 माइनस टू प्लस वन, यानी कि ये माइनस टू, ये निगेटिव आया, ये क्या आया निगेटिव आया। तो अब क्या हुआ, पॉजिटिव से निगेटिव, कैसी कंडीशन बनी, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, इस तरह से बना के देख लेते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव चले, जब पॉजिटिव से बढ़े तो पहले ऊपर पहुंचे मैक्सिमम पे तभी तो डिक्रीज करना स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, x इक्वल्स टू टू इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये क्या आया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया, और मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए यहां पर टू लगा दो, क्वेश्चन में क्या लगा दें टू, तो माइनस टू माइनस टू स्क्वायर प्लस फाइव, ये जीरो हो गया, 0 प्लस 5 यानी कि ये 5 आ गया। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है हमारा मैक्सिमा मिनिमा के लिए, और सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ लेंगे। अभी हमने बात किसकी की है, सिर्फ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। अभी हम इसकी कंसेप्ट को और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम, तब उसको आपको और अच्छे से इसकी कंसेप्ट समझाएंगे। ये हमारे पास क्या था, तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, कोई भी फंक्शन इस तरह से बढ़ के इस तरह से आ रहा है, तो जिस पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, हाईएस्ट पीक जहां मिल रही है, तो हाईएस्ट पीक पर कहलाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्योंकि इसके आसपास बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो उन बहुत सारे पॉइंट के बीच में सबसे बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए वो लोकल, अपनी लोकेलिटी में, अपने एरिया में जिस पॉइंट पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू रखता है फंक्शन, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। और इसी तरह से अगर मुझे एलिवेशन मिलेगा, यानी वो एलिवेशन हो गया, ये डिप्रेशन मिलेगा, ये क्या मिलेगी, वैली मिलेगी, तो इस वैली को नीचे से ऊपर, तो यहां पर ये पॉइंट क्या कहलाएगा मेरे पास, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्योंकि अपने आसपास के पॉइंट पर वो सबसे छोटी वैल्यू रखता है। तो ये जो कंडीशन है, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे फाइंड करते हैं, हमने वो बता दिया आप लोगों को, डेफिनेशन भी इसकी लिखा दी हमने, एक्स इक्वल टू ए पर मैक्सिमा, अगर एफ एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स, वो नोट कर लेंगे। तो ये कंसेप्ट अच्छे से समझना है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यानी कि इस पॉइंट पर साइन चेंज होगा कहां से, पॉजिटिव से निगेटिव, क्योंकि यहां पर ऊपर बढ़ते जा रहे थे, यहां डिक्रीज हो रहे थे, तो पॉजिटिव से निगेटिव मतलब मैक्सिमा, इस पॉइंट पर साइन तुम्हारा निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि पहले डिक्रीज करते हुए मिनिमम पहुंचे फिर इंक्रीज करे, तब ये क्या कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। अच्छे से समझ लिया, इसके बाद अभी और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो।